गाइस वेलकम बैक टू विकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट। बहुत दिन से सोच रही थी जाना है पर निकल नहीं पा रही थी, बट फाइनली आज हो गया कि जाना ही है। मैं सीधा लॉक लगा के निकल रही हूँ और आप लोगों से बात करती हुई जाऊँगी। 3-4 दिन से सोच रही हूँ जाना है पर जा ही नहीं पा रही थी। आज थोड़ा सा टाइम मिल गया, मैं सोचा निकल जाते हैं। गॉगल हमने इसलिए लगा लिया है क्योंकि हमको लॉक लगाना है। गॉगल अभी हम निकालेंगे। ठीक है, सो डी मार्ट से बहुत सारा सामान लेना है और मैंने मास्क नहीं लिया है। मेरा मास्क मेरी पर्स में है, मास्क ले लूँ मैं। एक्चुअली में ये गलती किसी से भी हो सकती है। एक बजे से ना हमें बहुत टाइम लग जाता है। सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर रख लूँ मैं, मुझे इस वाले पर्स में रखता है मास्क। और आज मैं ये ब्लैक वाला पर्स लेके जा रही हूँ। ये वाला देखो, बहुत सुंदर पर्स है, ये बहुत स्टाइलिश भी है। ठीक है, सो दैट की मेरा पर्स, मेरा मास्क हो गया। आई थिंक मिसी का अपना मास्क लेके गई है। गॉगल भूल गई, चलो कोई बात नहीं। बिना गॉगल के चल सकता था, बिना मास्क के नहीं चल सकता था। लेट नहीं होना चाहती उनकी गाड़ी से, वो हॉर्न लगाई रहती मुझे। बाबू मंस की दूध की बॉटल भी मैंने रख ली है और आज मैंने ये पहना हुआ है। ये मैंने मीशो से लिया था एंड ये पर्स भी मीशो से है। उसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं जाके गाड़ी में बैठ जाऊँ, ना बातें सुन लूँगी। तो गाइज़ हम डी मार्ट से शॉपिंग करके सीधे पहुंच गए थे राजबाड़ा, क्योंकि मुझे मेहंदी लगवानी थी। और आप सभी को पता है मुझे सावन के महीने में मेहंदी लगवाना बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब बचपन से ही हम लोगों ने पूरे सावन के महीने मेहंदी लगाते थे। कहते हैं कि जो सावन का महीना होता है वो भाई का मंथ होता है और भाई की उम्र बढ़ती है, तो मेहंदी लगाना, मतलब बहन अगर मेहंदी लगाती है तो भाई की उम्र बढ़ती है। हमने तो बचपन से यही सुना है, अब हमें भी नहीं पता कि ये सच कितना है। पर अब भले ही मैं मायके जाऊँ या ना जाऊँ, राखी बांध पाऊँ या ना बांध पाऊँ, उसके लिए राखी, उसकी अच्छी उम्र के लिए, उसकी तरक्की के लिए, वो सारी चीज़ें करती हूँ जो करनी चाहिए एक बहन को, वो मैं हमेशा करती हूँ। इसी साल नहीं, हमेशा। अगर आप पिछले साल के भी मेरे ब्लॉग्स देखोगे तो शायद आप लोग समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि पिछले साल मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब मंस टमी में था मेरे, तब भी मुझसे जो बन पड़ता था मैं करती थी।
सी यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, और ये रोड साइड मेहंदी होती है ना, रोड साइड पे बैठे रहते हैं उन लोगों से लगवाती हूँ, काफ़ी सुंदर मेहंदी लगा लेते हैं एंड काफ़ी कम प्राइस पे। प्राइस कैसे क्या है वो तो आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा कि कितने की लगी थी, पर उन्होंने काफ़ी खूबसूरत सी मेहंदी लगाई हुई थी, देख सकते हैं कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है। थोड़ी सी याद भी आ रही थी इस टाइम पर मुझे, मेरे परिवार वालों की, मायके वालों की, मतलब रोना आ रहा था, याद तो छोड़ो मुझे रोना टाइप का आ रहा था, बट मैं रोऊंगी नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ वो खूब तरक्की करे अपनी लाइफ मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है और आज है सोमवार, मेरा फास्ट है आज। तो मेहंदी लगवा के हम आ गए थे और मेहंदी रच भी गई है। ये मैंने आते ही साथ उसको, मतलब जैसे ये सूखती है ना मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरी जो मेहंदी है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है और डार्क मेहंदी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि काली मेहंदी फिर मतलब नहीं होता, कम से कम लाल हो, लेकिन फिर भी वो एक ओवरनाइट होने के बाद वो रच ही गई, मतलब रात रात सुबह देख रही हूँ तो इतनी ज़्यादा रच गई। मुझे लाल मेहंदी का शौक है, अगर इससे थोड़ी कम रचती ना मुझे बहुत अच्छी लगती, पर ये ज़्यादा ही रच गई और अभी एक दो दिन में और ज़्यादा रच जाएगी, क्योंकि मेरा डार्क कलर होता ही है। तो ये इस तरीके से मैंने लगवाई थी। पीछे का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, मेरी रिंग घूम गई है, एक मिनट, पीछे का डिज़ाइन कुछ ऐसा है और आगे का डिज़ाइन कुछ ऐसा था, ठीक है। तो मैंने अरेबियन मेहंदी लगवाई थी, इस हाथ का कुछ ऐसा है, ये देखिए ये पीछे का है और ये आगे का है। सो मेहंदी मतलब मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और सावन के महीने में मेरे हाथ से मेहंदी नहीं निकलती, अगर आपने पूरे मंथ में देखा होगा, मैं पूरे मंथ में मेहंदी लगवाई है और पूरे सावन के महीने में मैंने 4 बार मेहंदी लगाई है। और मेहंदी का मुझे वैसे भी बहुत शौक है, मेहंदी और महावर मुझे दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हरी चूड़ियाँ और मेहंदी का सावन के महीने में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए मैं ग्रीन चूड़ी और मेहंदी हमेशा लगाती हूँ। सो ये देखिए ये ग्रीन चूड़ी है और ये हमारी मेहंदी है। सैरी लिए होप कि आज की मेहंदी आपको अच्छी लगी होगी। और ये ना 100 रुपये हैंड लग रही थी अरेबियन में, तो मैंने उनको बोला भैया आप ना 150 रुपये हैंड ले लेना पर अच्छी लगाना, तो फिर उन्होंने इस तरीके से लगाई, जल्दबाजी में ही लगाई थी, क्योंकि मंस को इन्होंने मुझे बोल दिया था कि मंस यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा है, तो आप एक काम करो उनको कार्ड ले लो उनका, कल बुला लेना। पर बात क्या थी कि उन्होंने बोला था कि हम एक जन के लिए नहीं आ सकते हैं, आपको कम से कम 3 से 4 लोगों को वहाँ पे बिठाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कहाँ से 3 से 4 लोग बनाऊंगी। तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहीं पे लगवा लेती हूँ। तो मैंने उनको बोला आप जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी लगा देना। तो ये देखिए कुछ ऐसी लगी, मैं बार बार मेहंदी क्यों शो कर रही हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैं लगाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत देर से सोच रही थी नहा लूँ नहा लूँ नहा लूँ, पर क्या है ना मंस परेशान कर रहा था, तो फिर इस वजह से नहीं नहा पाई। और देखती हूँ फलहार में क्या खाऊंगी, मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं होता है, जिस दिन मेरा फास्ट रहता है उस दिन नमक नहीं खाती हूँ ना, तो पानी भी ठीक से नहीं पीती हूँ, और फास्ट के सेकंड डे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, और मैं इस मौसम में पानी बहुत कम पीती हूँ, तो मुझे ना बहुत जलन पड़ती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं मुझे, लेकिन जब तक जलन पड़ती है तब तक डर के मारे पानी पीती हूँ, जहाँ से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो फिर वैसी की वैसी हो जाती हूँ। और ये वाली समस्या किस किसके साथ होती है ज़रूर बताना, पानी बहुत जरूरी होता है आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, बट मैं हूँ ऐसी, मुझे पानी पीने याद ही नहीं रहता, मैं रोज सोचती हूँ मैं आज अच्छा पानी पीऊंगी और रोज यही होता है कि याद ही नहीं रहता है। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या बनाऊंगी वो भी बताऊंगी, और डी मार्ट से सारा सामान लेके आई हूँ तो थोड़ा सा आपको वो भी दिखा दूंगी कि क्या क्या लेके आई हूँ, ठीक है। सो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो गाइज़ मैंने नहा लिया था, लेकिन मन से इतना परेशान कर रहा था ना कि मैं जल्दी जल्दी मैं पूजा पाठ किया, फिर उसको लेटाया, उसको सुलाया, अभी मैं क्या आलू टमाटर और वो अरे यार साबूदाना भिगो के रख के आई हूँ, तो मुझे बनाना है खिचड़ी। जी हाँ फ्रूट्स वगैरह रखे हैं बट खाने का मन ही नहीं हो रहा है फ्रूट, मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बना लेती हूँ, थोड़ी तीखी सी बनाऊँगी ना तो अच्छे से खा भी लूँगी, और उसके बाद देखती हूँ कुछ करूँगी। अभी सच बताऊँ कुछ ही भी करने का मन नहीं हो रहा है, जब फास्ट होता है ना तो दिक्कत कोई नहीं होती है, बस ये होता है कि उस दिन ऐसा लगता है कि शांत स्वभाव से ना बैठूं, पर वो हो नहीं पाता है, बच्चे परेशान करते हैं। मैंने आज इतनी जल्दी जल्दी में पूजा की, पूरा सोचा था आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी, बट सीरियसली ना मेरा मन अब नहीं होता। पहले मैं पूजा पाठ दिखाती थी तो कुछ लोग मुझे बोलते थे कि दी आप जब पूजा दिखाते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक ध्यान जो होता है वो इस चीज़ पर रहता है कि कैमरा ऑन है, तो प्लीज़ आप ना ऑफ कैमरा पूजा किया करो। तो उस समय पर मुझे इतना समझ नहीं आता था, मुझे लगता था नहीं कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पूजा दिखाया करो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं दिखाया करो, तो मैं इससे अच्छा दिखा दूं। लेकिन अब मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि हाँ ये बात भी सच है ना कहीं ये बात मुझे बहुत हिट की उस टाइम पे कि हाँ ये बात बहुत सही है कि जब हम पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं जब हम लोगों को दिखाते हैं तो हमारा एक ध्यान उस कैमरे पर होता है कि उधर सही एंगल में मेरी पूजा पाठ दिख रहा है कि नहीं।
तो इस वजह से अब मैंने दिखाना बंद कर दिया, बट ऐसा नहीं मैंने टोटली बंद कर दिया है। तो जब मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तब मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन जब मैं अगर फ्री रहूँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी, कोई भी पूजा पाठ करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में सब कुछ किया, दियावती किया, और ये देखिए मैंने टीका लगाया था बट वो पूरा गोल लगा ही नहीं। चलो कोई ना, हम जाते हैं और हम बनाते हैं फलियारी खिचड़ी, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज़, अब मैं फलाहार करना चालू करूँगी, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें जो है क्या डाला था। हाँ, लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च क्यों डाली, तो मेरे यहाँ पे हरी मिर्च अवेलेबल नहीं थी और उस टाइम पे ये भी नहीं थे, तो मैं ही जाती नीचे, तो इसका मतलब कोई बनता नहीं था। इस वजह से मैंने जो मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने डाल दिया था। तो सबसे पहले मैंने फ्रूट से अपना जो फास्ट था वो खोला था, क्योंकि मतलब अभी फास्ट खोला नहीं है, बट फास्ट में कुछ भी खाया तो पहला वो था मेरा एप्पल। मैंने एप्पल खाया था सुबह, मैं चाय तो पी ली थी बट अभी मैं एप्पल खाया है। इसके बाद मैं खिचड़ी खाऊंगी, और मैं जो भी फास्ट रखती हूँ, सारे फास्ट में नहीं लेकिन कुछ फास्ट में नमक लेती हूँ, जैसे कि इसमें, और ये सेंधा नमक होता है ना व्रत वाला, वो लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे टीवी देखती जा रही थी और अपना जो फलाहार था वो भी करती जा रही थी। एंड आप लोगों के सावन के सोमवार कैसे निकले मुझे ज़रूर बताना, एंड सॉरी, सो सॉरी कि आप लोग ब्लॉग थोड़ा थोड़ा लेट देख रहे हो। रीज़न ये है कि देखिए क्या होता है ना, अभी जैसे मंथ्स का बर्थडे दूसरे दिन राखी थी, तो दो दिन मैंने कोई ब्लॉग वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो था ना फैमिली टाइम था, अगर इसे मैं अपने स्पेंड नहीं कर पाती, फैमिली टाइम स्पेंड नहीं करती अच्छे तरीके से, कहीं ना कहीं खटकता व्लॉग्स वीडियो का क्या है, आप आगे देख रहे हो या पीछे देख रहे हो, बट मैं ट्राई तो करती हूँ ना अपलोड करने का। और आपको तो पता ही है दो बच्चों के बीच में बहुत मतलब इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो जाती है हर चीज़ टाइम टू टाइम करना, घर के काम भी कई बार बहुत आगे पीछे होते हैं, तो आप समझोगे इस बात को, मुझे भरोसा है आप लोगों पर। इसी उम्मीद के साथ मैं ये पुराने वीडियो जो है अपलोड कर पाती हूँ कि आप लोग मेरी इस कंडीशन को भी समझते हो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आने वाले दिनों में आपको कुछ चैलेंज वीडियो देखने को मिलेंगे जब हम शूट कर लेंगे, अभी शूट नहीं किया है बट हाँ मैंने हस्बैंड को बोला है, एंड उन्होंने बोला है कि ठीक है मैं देखता हूँ टाइम निकालूंगा, तो मतलब कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग से ब्लॉग या वीडियो आते रहेंगे और आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो चलिए हम हमारा फलाहार कर लेते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, 7 बज गए थे और मैंने इस वक्त दिया बत्ती की थी, और मंस को मैं बहुत सारे खिलौनों के बीच में छोड़ के पूजा की थी, क्योंकि वो रहता है ना तो पूजा करना इतना आसान नहीं होता, उसके सामने तो कुछ भी करो ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं हम आपको कितने बजे मिलते हैं, क्योंकि आगे आपको पता चल ही जाएगा। सो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे प्यारे से भगवान जीवों का। तो गाइज़, अभी रात के बज रहे हैं 9, और अभी मेरा खाना नहीं बना है क्योंकि आज ना बाबू बहुत लेट ऑफिस से आए थे, वो
कितने बजे आए थे वो? वही 8:30 के करीब आए थे और अभी बज रहे हैं 9। मंस को मैंने बड़ी मुश्किल में अभी सुलाया है, अब सोया है, अब जाके मैं खाना बनाऊंगी। ये तो मुझसे बोल रहे हैं कि काम करता हूँ, बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, बट आज व्रत है तो वो ऑर्डर भी नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं यार, घर का खाने से ही व्रत खुला जाता है। बोले कहने लगे तुमसे इसीलिए बोलते हैं अभी फास्ट वगैरह मत रखा करो, क्योंकि पता तो है बच्चे इतना परेशान करते हैं। आप सच बता रही हूँ, मेरा सर में इतना दर्द हो रहा कि क्या बताऊँ, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, बच्चे हैं तो परेशान करेंगे ही करेंगे। और थोड़ा सा भी क्या, उसके ज़्यादा ये तीत निकल रहे हैं, तीत की वजह से ना वो ज़्यादा ही परेशान करने लगा है। पहले इतना परेशान नहीं करता था जितना परेशान अभी कुछ दिनों से कर रहा है। और सच बता रही हूँ, बहुत तेज परेशान हो भी जाती हूँ, बट कोई ना यार, सब हो जाएगा। ऊपर से ना मेरा ये जो कान का है ना, पक गया था, मतलब पीछे से ना बहुत पेन हो रहा था, इसमें इतना पेन हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। फिर मैंने वो कान की निकाल के रखने ही पड़े मुझे। मैंने कहा अगर मैंने 2-3 दिन जबरदस्ती से वो और पहना ना, तो ये अच्छे तरीके से इस कान की वाट लग जाएगी और मंस के बर्थडे तक शायद मैं कान में कुछ ना पहन पाऊँ। तो इस वजह से मैंने अभी निकाल के रख दिया, और 1-2 दिन मैं कुछ भी नहीं पहनूंगी अपने कान में, ताकि मेरे जो कान का दर्द है वो ठीक हो जाए। और डिनर के लिए आज अभी आते टाइम ना ये बोल रहे हैं कि हम सेम ले आए थे, तो वही काट लो, वही बना लेना अगर खाना बना ही रही हो तो हम दोनों ही लग के बनाएंगे। मतलब मंस तो सो ही गया है, तो बाबू कह रहे हैं मैं सब्जी काट ले रहा हूँ, जब तक तुम रोटी सेंक लो, फिर जब सब्जी कट जाएगी तो सब्जी बघार लेना, बस हो गया। कह रहे जल्दी से बना लो खाना, खा लो क्योंकि 9 बज रहे हैं। तो गाइज़ ये है हमारी ग्रॉसरी जो हम लेके आए थे। कुछ सामान ऊपर आ गया, कुछ अभी कार में ही रखा हुआ है। तो जैसे जैसे खाली हाथ ऊपर आते हैं तो एक एक दो दो थैले आ जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं लगी है, तो सामान इकट्ठा एक साथ ले आना तो मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ मैगी के पैकेट्स हैं, वाइप्स हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, मतलब जो भी हमारे पास ना सामान नहीं है वो लेके आए थे, क्योंकि काफ़ी सारा सामान जो था ख़त्म होने पर आ गया था, और एकदम से हम ख़त्म नहीं करना चाहते कोई भी सामान, क्योंकि वो सही नहीं रहता। और ये वाली क्लिप्स ना बहुत अच्छी होती हैं, जैसे आपके बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं तो उन चिप्स थोड़ा सा आप चिप्स, मेरे साथ तो यही है, मैं एक पैकेट खोलती हूँ अगर, तो मैं उसमें से मिशिका और मंस तो खाता नहीं है, मिशिका बस खाती है, तो उसको 2-4 निकाल के दे देती हूँ, फिर उसको ऐसे रैप करके रख देती हूँ, तो सीलन खा जाती थी, मतलब सॉफ्ट हो जाती थी। इस वजह से ये वाली क्लिप लेके आई हूँ, ये पहले भी लाई थी, वो वाली यूज़ में है। यहाँ पे कुछ टिशू के पैकेट, वाइप्स, ये ना एक के साथ एक फ्री था, वाइप्स एंड टिशू, तो ये दो आए हैं। और मैगी, ये वाले मतलब पापड़ वाले, मिशिका को बहुत पसंद है तो वो खाती है कभी कभी, तो उसके लिए लेके आई हूँ। हार पेक और ये वाले क्लिप्स वगैरह, कपड़े धोने वाले, मतलब कपड़े टांगने वाले, क्या से क्या बोल रही हूँ। तो जो चीज़ें जैसे घर पे नहीं थी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, क्यों नहीं हैं बताऊंगी। ये देखिए छोले मसाला, ये हारपिक, और क्या था, यस ये कैचअप, ये दाल, 2 पैकेट दाल लेके आई थी, और ये वाले पापड़, एक के साथ एक फ्री ये वाले पापड़ भी थे, तो ये लेके आई थी। सबसे अच्छी चीज़ मैं ये लेके आई हूँ, ये थोड़ी सी ना मुझे ज़रूरत थी, भगोनी टाइप की है, और इसमें अच्छा खासा राइस वगैरह बनाती हूँ ना कभी खुला हुआ, तो इसमें बन जाएगा और बहुत आसानी से भी बनेगा, काफ़ी गहरे तले की भी है। और ये देखिए इतना इसका प्राइस है, सो काफ़ी अच्छी है ये, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं डीमार्ट से, क्योंकि यूज़ की है, काफ़ी अच्छी है। ये पार्ले जी बिस्किट 2 पैकेट लेके आई थी, 1 पैकेट आ गया, 1 पैकेट आई थिंक नीचे वाले थैले में होगा। कुछ बिम बार, ये सोयाबीन की बड़ी, ये वाले सोया स्नैक्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ रबड़, ये डस्टबिन पन्नी, तो ऐसा ही कुछ राशन का सामान है। सो चलिए देखिए आप, यहाँ पे मेरा पूरा राशन पड़ गया है और मैंने यहाँ पे रख लिया है। ये वाला सामान जो है अभी आ गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। इस बार बहुत कम राशन लाई हूँ, वरना हर बार इतना सारा राशन लाती थी, पर इस बार कम लाई। सोच रहे होंगे कि मेघा दी इसमें तो बहुत सारा सामान मिस है, लाइक हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, तेल, और भी बहुत सारी, जैसे शक्कर, चाय पत्ती, और भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, तो ये क्यों नहीं लाई यहाँ से, तो ये सब क्यों नहीं आप लाए। तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे ना ग्रॉसरी ऑलरेडी, जब मैं इंदौर
से नमो गई थी, उसके पहले ही इतनी सारी आ चुकी थी क्योंकि लॉकडाउन लगना था ना इस वजह से। फिर हमारा वहाँ रुकना हो गया, इतने समय तक के लिए हम वहाँ पे रुके रहे, तो वो सारी ग्रॉसरी रखी हुई थी जो चीज़ें जैसे कि ख़त्म हो गई थी वो चीज़ें लेने गई थी, और वही चीज़ें लाई हूँ जो चीज़ें जैसे कि 2-4 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगी, या तो वो लेके आई हूँ या जो ऑलरेडी ख़त्म हो रखी हैं वो लेके आई हूँ। मतलब मेरा जो होता है ना ग्रॉसरी का एक बजट रहता है कि 7 से 8 हज़ार तक की ग्रॉसरी आती है। मतलब ग्रॉसरी में जरूरी नहीं है उसमें सब खाने पीने की भी चीज़ें हो, बहुत सारी जैसे डी मार्ट में जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर लेके आते हैं, लाइक मिशिका के लिए कुछ शूज़ वगैरह लेके आती हूँ, मैं खुद के लिए भी ले आती हूँ अगर मुझे कुछ पसंद आता है, क्लिप्स वगैरह, पर्स वगैरह, बॉटल, ये सब। तो मतलब 7 से 8 हज़ार तक का हमारा जो बजट है वो हम निकाल के रखते हैं कि ये हमारा ग्रॉसरी में जाएगा। तो इस बार ना उस बजट से आधे पे सब कुछ आया, मतलब 4 हज़ार के अंदर ये सब आ गया। जैसे इस बार ना मैं ये भगोनी लेके आई हूँ, अगली लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो वहाँ से ना मैं 12 कटोरी लेके आई थी। तो अभी मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मैं डीमार्ट जाती हूँ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके आती हूँ, और ये मुझे बोलते इतना सब कुछ क्यों बनाती जा रही हूँ, मैं कहती हूँ अरे कोई बात नहीं यार, घर में ये चीज़ें ज़रूरी है, कल को कोई आ जाए, कम नहीं बढ़ना चाहिए, ज़्यादा रहे कोई दिक्कत नहीं है। और मंथली ग्रॉसरी ना 1 महीने की कभी नहीं मैं भरती हूँ, हमेशा का मेरा रिकॉर्ड है कि मुझे मैं मंथली ग्रॉसरी लेने जब जाऊंगी तो मेरा 2 महीने तक का राशन आ जाता है, 2 महीने तक मुझे फिर ग्रोसरी लेने नहीं जाना पड़ता है। कुछ ही चीज़ें कभी एक आधी चीज़ कभी ख़त्म होती होगी, और जैसे कि पैड वगैरह, डायपर वगैरह पे बहुत अच्छे ऑफर होते हैं तो वो भी मैं कई बार वहाँ से लेके आ जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना थोड़ा बजट ऊपर नीचे हो जाता है। सो चलिए, ये वाली बात तो मैंने आप लोगों से कर ली क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये पक्का से ना डाउट वाली जो क्वेश्चन होते हैं बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, है ना।